Hello students, welcome you all to ABC Aptitude Booster class where you learn everything from basics. तो आज हम वोकैब डिस्कस करेंगे. मेरा नाम आशुतोष कुमार है और आप अपकमिंग SBI क्लर्क प्री के एग्जामिनेशन के लिए इस बुक को अमेजन से परचेज कर सकते हो. इस बुक के रीजनिंग का कंटेंट मैंने डेवलप किया है. इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट्स हैं सॉल्यूशंस के साथ. तो आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके परचेज कर सकते हो. तो चलिए वोकैब डिस्कस करते हैं. यहाँ पे देखिए, सबसे पहला वर्ड है डेप्रिकेट. तो इसका मतलब क्या होता है? टू क्रिटिसाइज और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समवन और समथिंग. ये एक वर्ब है. इसका नाउन हो जाएगा डेप्रिकेशन, एडवर्ब हो जाएगा डेप्रिकेटिंगली. आप इस पिक्चर से इसे रिलेट कर सकते हो. यहाँ पे एक आदमी जो है एक लेडी को क्रिटिसाइज कर रहा है. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मूवी क्रिटिक्स ट्राई टू आउटडू वन अनदर इन डेप्रिकेटिंग द कॉमेडी एज द स्टूपिडेस्ट मूवी ऑफ द ईयर. इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बिलिटिल, डिक्राई, डेप्रिसिएट, डिमिनिश, डिसमिस. एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अक्लेम, अप्लॉड, एग्जॉल्ट, ग्लोरीफाई. अब चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. अगला वर्ड है विटिएट. ये एक वर्ब है. इसका मीनिंग क्या होता है? टू मेक समथिंग लेस इफेक्टिव, टू स्पॉइल समथिंग. नाउन क्या हो जाएगा? विटिएशन. और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द इम्पैक्ट ऑफ द फिल्म वॉज विटिएटेड बाई पुअर एक्टिंग. सिनोनिम्स हो जाएगा ब्लेमिश, डार्केन, स्टेन, स्पॉइल. एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? फिक्स, मेंट, पैच, रिब्यूल्ड. तो ये क्लियर है. यहाँ पे आप इसे इस पिक्चर से रिलेट कर सकते हो. यहाँ पे ये जो डाइस है वो वर्टिकली खड़ा था और एक के ऊपर एक गिरते जा रहा था, जिससे ये पूरा डाइस गिरता. लेकिन बीच में इस आदमी ने हाथ लगाकर इस प्रोसेस को रोक दिया, यानी इस प्रोसेस को स्पॉइल कर दिया. तो ये क्लियर है. अब चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. अगला वर्ड है एक्सप्लेनेटिक. ये एक एडजेक्टिव है. इसका मीनिंग क्या होता है? वेरी एंग्री एंड एनॉयड. इस पिक्चर से आप इसे रिलेट कर सकते हो. यहाँ पे एक पर्सन दिख रहा है जो कि बहुत ही एंग्री और एनॉयड दिख रहा है. इसका नाउन क्या हो जाएगा? एक्सप्लेनेटिक. एडजेक्टिव भी एक्सप्लेनेटिक होगा और नाउन भी एक्सप्लेनेटिक होगा. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? द न्यूज़पेपर पब्लिशर्स एक्सप्लेनेटिक एडिटोरियल्स ऑफन स्ट्रक फियर इनटू लोकल पॉलिटिशियंस. सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बिलियस, डिसएग्रीएबल, डिसपेप्टिक. इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एमिएबल, गुड ह्यूमर्ड, गुड टेम्पर्ड. अब चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. अगला वर्ड है रेक्टिट्यूड. ये एक नाउन है. इसका मीनिंग क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ बींग ऑनेस्ट एंड मोरली करेक्ट. आप इसे इस पिक्चर से रिलेट कर सकते हो. यहाँ पे जो कार्टून बना हुआ है उसके एक शोल्डर पे उसका डेविल माइंड को शो कर रहा है और एक शोल्डर पे उसका ऑनेस्ट और मोरली करेक्ट माइंड को शो कर रहा है. आपने बहुत सारे कार्टून में ऐसे फिगर देखे होंगे. तो ये वाला जो पार्ट है, मतलब ये माइंड का पार्ट है, वो मोरली करेक्ट और ऑनेस्ट है. तो आप इसे इस पिक्चर से रिलेट कर सकते हो. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इनकरेज द ग्रेजुएट्स टू गो ऑन टू लाइव लाइफ्स ऑफ अनइम्पीचेबल रेक्टिट्यूड एंड इंटीग्रिटी. सिनोनिम्स हो जाएगा कैरेक्टर, डिसेंसी, गुडनेस, ऑनेस्टी, प्रॉबिटी. एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? बैडनेस, एविल, इमोरलिटी, सिन. तो ये क्लियर है. चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. अगला वर्ड है प्रीमोनिशन. ये एक नाउन है. इसका मीनिंग क्या होता है? अ फीलिंग और बिलीफ दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन व्हेन देयर इज नो डेफिनेट रीजन टू बिलीव इट विल. तो आप इसे इस पिक्चर से रिलेट कर सकते हो. जनरली प्रीमोनिशन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है पूर्व संकेत. तो आपने अगर फाइनल डेस्टिनेशन मूवी देखा होगा तो उसमें क्या होता है, किसी भी एक पर्सन को विजन आता है जिसमें एक एक्सीडेंट होता है और रियलिटी में वैसा ही एक्सीडेंट होता है एक एक करके. तो ये क्लियर है. एग्जांपल क्या हो जाएगा? सी हैड अ प्री मोनिशन दैट ही वुड कॉल. सिनोनिम हो जाएगा फोरबोडिंग और प्रोग्नोस्टिकेशन. तो ये क्लियर है. तो आज के इस क्लास में बस इतना ही. आप इस क्लास के PDF को डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.